श्री कृष्णा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः प्रथम स्कंद के अंत में सुखदेव जी महाराज को प्रश्न पूछा गया था, अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुष से है यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा य श्रोतव्यम अथ जप्यम यत् कर्तव्यम दुर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूही यद्वा विपर्यय। परीक्षित जी कहते हैं भगवान आप हमको ये बताइए कि व्यक्ति के जीवन में क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, व्यक्ति ने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, किसमें प्रवृत्त होना चाहिए किसमें निवृत्त होना चाहिए, जिंदा जी और जब हमारा मरण काल प्राप्त हो जाता है उस समय, ये हमें आप बताइए। और ये प्रश्न पूछने के साथ साथ प्रथम स्कंध पूरा हुआ था, अब द्वितीय स्कंध प्रारंभ होता है जिसमें 10 अध्याय हैं। और इन 10 अध्याय में पहले जो 2 अध्याय है उसमें उन्होंने तत्व ध्यान ये 2 चीजों का प्रसंग विस्तार से लिया है। फिर जो दूसरे 2 अध्याय है उसमें अपने हृदय में प्रसन्नता का प्रसंग लिया है। और बाकी के जो 6 अध्याय बचे हैं उसमें उन्होंने अपने मन को समझाने की बातें समझाई है। इस प्रकार से इन 10 अध्यायों में सुखदेव जी महाराज तत्व का निरूपण करते हैं। तो पहले सुखदेव जी शुरू करते हैं, जो प्रश्न पूछा गया उस प्रश्न के प्रति जब प्रश्न उत्तर देने वाले के मन में आदर होता है और जो प्रश्न पूछ रहा है उसके भी मन में आत्मसम्मान की भावना निर्माण करनी चाहिए। यदि प्रश्न पूछने वाले ने प्रश्न पूछने के बाद उसका तिरस्कार हो गया कि जैसे किसी ने प्रश्न पूछा, अरे मूर्ख तुमको इतना भी नहीं आता, ऐसा उत्तर दे दिया, तो प्रश्न पूछने वाले का दिल टूट जाता है। इसीलिए ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्व की है। तो श्री शुक उवाच, आवाज में गड़बड़ी हो गई शुकाचार्य के, ठीक ठाक करो भैया। वरी जानेशते प्रश्न कृतो लोकहित नृप आत्मवित सम्मत पुंसा श्रोतव्यादिषु यपर श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम सन्ति सहस्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गेहेषु गृहमेदिनाम निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन च वयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कहते हैं कि हे राजन, वर्यान्ते प्रश्न कृतः, आपने सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पूछा है। प्रश्न की विशेषता क्या है? वर माने वर्णीय, वर्णीय माने योग्य। तो प्रश्न में विशेषता क्या है, श्रेष्ठता क्या है? यह है कि यह प्रश्न दुनियादारी के बारे में नहीं है। जो प्रश्न सबके हित के लिए होता है वो प्रश्न श्रेष्ठ है। और लोकहितम नृप, और हे राजन आपने जो प्रश्न पूछा है इसमें लोकहित की बात महत्व की रखी है। और आत्मविद सम्मत, और ऐसे प्रश्नों को साधु संत बड़े आदर से स्वीकार करते हैं। और पुंसाम श्रोतव्यादिशु यप पर, तो व्यक्ति के जीवन में ये जो प्रश्न आपने पूछा
कि क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए जिंदगी और मरने के पहले। तो ये आपका जो प्रश्न है ये सभी के लिए हितकारी है, सभी के लिए योग्य है। अब देखो, हम यदि अपने जीवन के तरफ देखें और थोड़ी समय के लिए शांत होकर के बैठे, सोने के लिए नहीं, हमारा प्रॉब्लम क्या है, जहां थोड़े शांत होकर के बैठते हैं तो एक क्षण में इस अवस्था का त्याग करके सुषुप्ति अवस्था में सहजता से प्रवेश हो जाता है। और ये प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा अध्ययन साधना इत्यादि है वो केवल जागृत अवस्था में ही हो सकती है, सुषुप्ति अवस्था में नहीं हो सकती। अब क्या करें, तो दो मिनट के लिए शांत हो जाए और शांत होने के बाद ये देखें कि आज तक हमने जो अपना जीवन जिया है, आज तक हमने किया क्या, क्या मिला। एक बार एक सज्जन हमसे मिले, पति पत्नी दोनों काफी बूढ़े थे और उनकी जो बातें थी ऐसी बिल्कुल जैसे कोई ताजे ताजे शादी हो गए हो, काफी बूढ़े थे और वो कहीं इनको कहीं फॉरेन कंट्री में गवर्नमेंट ने भेजा होगा, नाइजीरिया में, कंबोडिया में गए तो भी, वह 3-4 साल करके सभी कृष्ण के अवतारों के साथ रह के आए वापस चारों तरफ। अफ्रीका में तो कृष्ण का ही अवतार है ना, तो वहां से आए और आने के बाद जब हमसे बात करने लग गए तो बातों में क्या कि स्वामी जी वहां के लोगों को अपनी हिंदी सिनेमा के गाने बड़े पसंद है, तो हमने हिंदुस्तान से काफी हिंदी सिनेमा के गाने मंगाए और जो हमारी मेड सर्वेंट थी उसको एक एक गाना इतना अच्छा लगता था और वो ऐसी गाती थी, राम 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 राम। मैंने बोला कि प्रभु आपने जो जो कार्य किया है रिसर्च का किया है, वो कोई साइंटिफिक ऑफिसर थे, तो हमने कहा आपने रिसर्च का जो कार्य किया है ये बताइए, आप यदि वो कार्य नहीं करते तो हिंदुस्तान में जगत में कोई फर्क पड़ता क्या? बोले कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो आपका जो कार्य हो उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा तो आपका जीवन व्यर्थ नहीं गया। बोले स्वामी जी ये विचार एकाध बार मेरे मन में कभी कभी आता है लेकिन ज्यादा टिकता नहीं, फिर मैं इसी चक्कर में लग जाता हूं। देखो इसीलिए एकाध बार व्यक्ति शांत होकर के बैठे और फिर विचार करे कि आज तक हमने जितना जीवन जिया है उससे कुछ मतलब निकला। तो यह प्रश्न जब हृदय में जागृत हो जाता है तब समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। जो हमेशा लोग कहते हैं ना कि स्वामी जी कृपा करो, कृपा करो माने हमारे हाथ को उनके सर के तेल को लगाओ, कृपा हो गई और फिर हाथ धोना पड़ता है डिटर्जेंट से। तो आत्मविसम्मत साधु संतों के द्वारा स्वीकृत कौन सा प्रश्न है, वो प्रश्न है कि जिसके द्वारा अपना हित हो और सबका हित हो। और हे राजन आपने ये प्रश्न पूछा और प्रश्न में क्या है, श्रोतव्यादीनी, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, ये बहुत बड़ी आवश्यक बात है और विवेक का क्षेत्र है। जब हम इसका विचार नहीं करते तो अनावश्यक बातों का श्रवण करने में हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। और अपश्यताम आत्मतत्वम, और उनकी स्थिति क्या है कि अपने स्वरूप को न पहचानते हुए गृहेशु गृह मेधिनाम, फिर वही अपने घर गृहस्थ की बात है, इसकी शादी, उसकी लड़की और उसका डायवोर्स, उसके बच्चे हुए उसके नहीं हुए, अब उनका स्कूल में जाना है, उसके सिवा दूसरा कोई विषय ही नहीं, और उसमें ऐसे फंस जाते हैं। अब देखो हम तो काफी घूमते हैं, लोगों को मिलते हैं, तो पहले पहले जब हम नए नए थे प्रोफेशन में तब ये दुनियादारी की बातें लेकर के हम बड़े सिंसियरली उसमें इन्वॉल्व होकर के उनको कुछ अच्छी बातें बुरी बातें बता दें, लेकिन धीरे 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 जब ये सब बातें समझ में आ गई तब पानी में मीन प्यासी रे मोहे देखत आवे हासी, आनंद का समुद्र अपने हृदय में बैठा हुआ है, जिसको ढूंढते थे गली गली
वो हृदय के अंदर मिली। कौन? शांति शांति शांति। तो अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेशु गृहमेदिनाम, अपने स्वरूप को न पहचानते हुए इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। और क्या कहते हैं? निद्रया हियते नक्तम व्यवा ये न चवा वयहा, रात को या तो सोएंगे या तो भोग करेंगे, और दिन में अर्थ हया माने पैसे की ही चिंता करेंगे, उसी में लगे रहेंगे। और कुटुंब भरणे नवा, पूरे जीवन में क्या किया? बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। आप ना पाल पोसते तो भी वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है। और इस प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार में अपने देह से लेकर के अपनी स्त्री पुत्र जो है उनमें ऐसे लग जाते हैं कि वही सत्य है, वास्तविक वो सत्य नहीं है, वो असत है, और फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता कि कितने लोग अपने अगल बगल में रोज मर रहे हैं, कोई बीमार होते हैं, और फिर भी इसी में फंसे हुए। ये यक्ष का प्रश्न था युधिष्ठिर जी को, इस जगत में सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात कौन सी है? तो हमको पूछ, हम कहेंगे ताजमहल। तो उन्होंने बताया कि सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि रोज हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन कभी भी ये विचार मन में नहीं आता कि भैया अपन को भी इसी जगह से जाना है, ये विचार मन में आता ही नहीं। यदि ये विचार मन में आ जाए तो व्यक्ति जगत के वस्तु व्यक्तियों में धंधे में फंस नहीं सकता। लेकिन ये लोगों को समझ में नहीं आता, तो यही सबसे आश्चर्य की बात है। मरे एक त्यासा दुजा शोक वाहे अकस्मात तो ही पुणे जाता है, अचाम भी आ रहे नारायण। और तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन अभी न पश्यति, वो इतने प्रमत्त हो गए हैं, प्रमत्त हो गए माने जिन्होंने अपने आप को इस मद में प्रमाद करना, माने मद के कारण गलतियों को दोहराना, तो प्रमत्त होकर के वो पश्यन अभी न पश्यति, सब देखते हुए भी ऐसा जीते हैं मानो हमने कुछ देखा ही नहीं। तस्मात, इसीलिए ये तो प्रश्न की उन्होंने भूमिका बनाई है कि जो प्रश्न पूछा था कि मनुष्य ने पूरे जीवन भर क्या सुनना बोलना रहना चाहिए और मरने के पहले क्या करना चाहिए, तो ये भूमिका बनाने के बाद अब उसका उत्तर देते हैं। ये बहुत ही महत्व का श्लोक है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। हमको इसीलिए सर्वात्मा हरि ही भगवान ईश्वरः, जो भगवान है, परमात्मा है, भगवान श्री कृष्ण है, सर्वात्मा है, जो सभी का अधिष्ठान है, श्रोतव्यः, केवल उन्हीं के ही बारे में सुनना चाहिए। और कीर्तितव्यश्च, और बोलना है तो उन्हीं के बारे में बोले, या तो सत्संग सुनो श्रोतव्य। और यदि सत्संग को कहीं नहीं हो रहा, अकेले आप घर में बैठे हैं, तो क्या करो? कीर्तितव्यश्च, अपने मेड सर्वेंट को पकड़ के बैठा, वो तो पेड़ है ना, तोशिकान रहना वे, बैठो बेटा मैं तुमको अब भागवत सुनाती हूं या सुनाता हूं, लेकिन मुझे तो जाना है, कोई बात नहीं, 2 रुपए ज्यादा दे देंगे आज, लेकिन सुनो। देखो यदि हम भगवान की बात नहीं करेंगे ना, तो दुनिया की बात करना शुरू हो जाएगी। इसीलिए श्रोतव्य है, सत्संग मिले तो सत्संग सुनो, नहीं तो सत्संग करो, दूसरों को सुनाओ, कीर्तितव्यश्च। अरे वो भी नहीं, लोग आपसे भागने लग जाए तो क्या करें? कई बार होता है ऐसा कि बाप रे, अब इनका वेदांत शुरू होने वाला है, भागो। वी बिकम रिपेलेंट, ह्यूमन रिपेलेंट। वो भी संभव नहीं तो स्मर्तव्यश्च, या तो भगवान का स्मरण करें, भगवान का स्मरण करने के अनेक तरीके हैं, या तो भगवान के स्थूल विग्रह को पूजा के द्वारा अपने मन को उसमें लगाएं। जिस घर में नित्य निरंतर भगवान की पूजा होती है, पूजा माने ऐसे नहीं कि एक हफ्ते में एक दिन नहाने का, भगवान कोई जुम्मे की जुम्मे ब्रांड थोड़ी है,
कई घरों में देखा है हमने, और बड़े बड़े ऑर्थोडॉक्स घरों में बिल्कुल वैष्णव है, और उसके बाद वो अयंगार है या अय्यर है, और ऐसे घरों में भी भगवान को केवल हफ्ते में एक दिन नहाने को मिलता है, बाकी दिन वो बाथरूम में पानी है, यहां से देख लेना आप, सर्वव्यापी है, वहां से देख लेना। तो नित्य निरंतर अपने घर में भगवान की पूजा होनी चाहिए, उसके द्वारा हम भगवान का स्मरण रखते हैं। अब देखो, यदि हमारे पास दो चार विग्रह है भगवान के, उनकी पूजा हो रही है, विशेष करके ये बार गृहस्थों के लिए आवश्यक है, क्योंकि गृहस्थों में उनका अपना इंडिपेंडेंट जीवन नहीं होता, घर में पति है, पत्नी है, माँ है, बाप है, सास है, ससुर है, बच्चे हैं, पोते हैं, तो सबको साथ लेकर के चलने के लिए इसकी आवश्यकता है। एक जगह में आता है, एक लड़का था, वो बड़ा भगवान की पूजा करने में सिंसियर था, रोज करता था, लेकिन उसके पिताजी थे वो इस पर विश्वास नहीं करते थे, उल्टी बात, ये बात आती है साईं बाबा के पोथी में। तो एक बार उसको जाना था दर्शन के लिए, तो उसके पिताजी ने कहा तुम क्यों नहीं जाते, तुमको जाना है तो। बोले मैं तो जाना चाहता हूं, लेकिन फिर यहां उनको भोग कौन चढ़ाएगा रोज के रोज, मैं जाऊंगा तो कोई नहीं करेगा, आप तो करते नहीं पूजा। बोले ठीक है मैं तुम्हारे लिए कर लूंगा, और उसके बाद वो चला गया। फिर उसके पिताजी ने जैसा लड़का अपनी पूजा करता था भगवान की, वैसी पूजा करना शुरू कर दिया, और पूजा करने में फिर उनको जो आनंद आने लगा। तो हमारे जीवन में जब तक हम स्थूल देह के साथ अपने आप को बांध के रखते हैं, तब तक के हमको जीवन में ये पूजा पोथी का होना आवश्यक है। जो लोग ये कल्पना करते हैं ना कि हम तो केवल मेडिटेशन करेंगे और चिंतन करेंगे, तो वो केवल कल्पना के क्षेत्र में घूम रहे हैं। स्मर्तव्यश्च, भगवान को स्मरण करने का एक ही तरीका है। दूसरी बात है, भगवान के शास्त्रों का अध्ययन अपने जीवन का अभिन्न अंग बने। किसी भी प्रकार से शास्त्रों के अध्ययन को तिलांजलि नहीं देनी चाहिए। रोज अपने अध्ययन में कम से कम एक दो घंटे शास्त्रों का अध्ययन, चाहे भगवद गीता लो, उपनिषद लो, एक एक ग्रंथ लगाना चाहिए। ये हमारे ऋषिकेश की भाषा है। वहाँ आश्रमों में कोई महात्मा आते हैं, वहाँ 8-15 दिन महीना रहेंगे, पता नहीं कितने दिन रहेंगे, और फिर बोलते हैं आजकल उस आश्रम में क्या लगा है, जैसे सिनेमा लगता है ना थिएटर में, वो सिटी लाइट में क्या लगा है कह दो ना, समथिंग लाइक दैट। तो उसी प्रकार से कहते हैं कि उस आश्रम में वो महात्मा जी आए, क्या लगाया उन्होंने, उन्होंने बृहदारण्यक लगा दिया है, तो फिर बृहदारण्यक देखने को पब्लिक पहुंच जाती है। तो उसी प्रकार से रोज अपने जीवन में ग्रंथ का अध्ययन नियम से होना चाहिए। तो नियम से होने के लिए किसी ग्रंथ को लगाओ, या तो भागवत को लगाओ, या तो रामायण को लगाओ, या तो उपनिषद को लगाओ, या ज्ञानेश्वरी को लगाओ, इस प्रकार से किसी ना किसी एक ग्रंथ को पूरा लगा करके पढ़ लो, और वो हो गया तो फिर दूसरे ग्रंथ को लगाओ। इस करने से क्या होता है कि व्यक्ति के मन में ये, कई लोगों के मन में ये धारणा होती है। एक हमारे मित्र है, उन्होंने हमको कहा स्वामी जी हमको आश्चर्य लगता है आप वही के वही साहिब बाबा की पोथी रोज कैसे पढ़ सकते हो। तो हमने कहा हम रोज के रोज वही खाना कितना डट के खाते हैं, तो वो क्यों नहीं पढ़ सके। बोले हमको यही होता है कि जैसे पोथी खोली, जो शुरू हो गया प्रसंग तो मालूम है अब आगे क्या है, क्या पढ़ना है, ठीक है आगे चलते, फिर दूसरा प्रसंग शुरू होता है, अरे ये तो मालूम ही, फिर आगे चलते, ऐसा करके 15 मिनट में पोथी खत्म। तो हमारा मन बड़ा विचित्र है, इसीलिए समझो हमारा मन इस प्रकार से हमारा साथ नहीं देता, हम तो कोई बात नहीं, तुमको नया सीखना है ना, फिर उसको लगा दो किसी में, भागवत के मूल पाठ को करो, मूल पाठ को करते करते जीवा झड़ जाएगी तो अपना शांत हो जाएगा। तो धीरे 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 हम भगवान का स्मरण करने में एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं। तीसरी बात है भगवान के स्मरण करने की, हमेशा गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो भगवान का नाम।
जहां आप भगवान का नाम गुनगुनाते रहेंगे उसके लिए हमने आपको पिछले बार बढ़िया बताया था एक बढ़िया तरीका। जो विचार सुबह सुबह उठ करके आप जोर से करते हो वो विचार दिन भर आपके मुख में आने लगता है। आपको याद होगा तो हमने आपको एक हमारे बचपन की अनुभूति सुनाई थी। हम छोटे थे और उन दिनों में मोहम्मद रफी का वो गाना बड़ा प्रसिद्ध था, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। और सुबह सुबह उठ करके वो रेडियो सिलोन पर पुराने फिल्मों के संगीत में कहीं तो भी सुना होगा हमने, और सुबह सुबह सुना ताजा दिमाग में गया और वही गुनगुनाना शुरू कर दिए और क्लास में जाके बैठे। ओ हम अपने उसी तान में थे, मस्त थे, और हमको टीचर ने देख लिया। उसने पूछा कि बताओ मैंने क्या बताया, तो मैंने कहा मिस तेरी प्यारी प्यारी शुरू हो गया, सूरत को किसी की नजर ना लगे और जो हमारी धुनाई हुई। उससे हमने ये चीज सीखी है कि सुबह सुबह उठ करके जो भगवान का नाम स्मरण करते रहो तो पूरा दिन उसमें लग जाता है, स्मर्तव्य। और ये काम तब होगा कि जब हम नियम लगा लेंगे। नियम के सिवा कोई कार्य जीवन में नहीं होता। अब यदि परीक्षा का नियम ना हो कि अमुक तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली है, इन इन दिनों में ये पेपर है, तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ाई कभी नहीं करेगा। उनको बोल दिया जाए ना कि आप अपनी पढ़ाई करके जब आपको लगेगा कि सब कुछ आ गया है फिर आ जाना, फिर हम परीक्षा लेकर के आपको पास कर देंगे, तो कोई भी व्यक्ति नहीं पढ़ाई करेगा। जब तक के हमारे स्तर पर डंडा नहीं होता हम कार्य नहीं करते। इसीलिए स्मर्तव्या इच्छता अभयम, जो अपने जीवन में अभय की प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमात्मा को बहुत जबरदस्त ले आवे। कितना जबरदस्त? आज तक जितना हमने दुनिया को अपने जीवन में ले आए अब बहुत हो गया, वही की वही पुरानी बातें, बीवी बच्चे और पति और पत्नी और संसार लाभ हानि उसका नाटक करते रहो। अभी तक हम लोग रिएक्ट करते रहे, अभी एक्टिंग शुरू कर दो। और जितनी हम एक्टिंग करेंगे उतना जीवन सुंदर चलेगा, लेकिन फंसेंगे कहीं नहीं। ये तावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। तो इस प्रकार से चाहे हम सांख्य विवेक की बात करें, योगाभ्यास करें, स्वधर्म निष्ठया और अपने स्वधर्म के अनुसार चले, जन्म लाभ परहा पुंसाम, मनुष्य के जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति यदि कोई है तो अंते मरते समय नारायण स्मृति ही। देखो एक व्यक्ति है कितना भी ऊंचा चढ़ जाए स्टेप्स के ऊपर में और आखिरी दम तक पहुंच गया बड़ी मेहनत करके, और वहां जाकर के आखिरी स्टेप पर यदि उसने गलती करी तो जोर से पटकी खाएगा। तो हमने इतनी मेहनत करके इतने ऊपर चले गए तो छोटी सी गलती होगी तो क्या होगा, जितने ज्यादा ऊंचा जाओगे उतनी छोटी गलती ज्यादा कष्ट देती है। इसीलिए अंते अपने जीवन में हमने कुछ भी किया हो अच्छा बुरा, लेकिन जीवन हमारा अगला बनता है कि हम इस देह का त्याग करने के पूर्व हमारे अंतकरण का कौन सा आकार था। इसी भागवत में कथा आएगी आगे, एक ऋषि जड़ भरत जी महाराज, उनके जीवन में वो हिरण का बड़ा महत्व हो गया, और चूंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी थी लेकिन वो हिरण के प्रति इतने समर्पित थे, हमेशा मेरा हिरण कहाँ गया होगा, मेरा बेटा अब अकेला होगा जंगल में, उसको मालूम नहीं कैसे घास तोड़ना कैसे खाना, मैं तो उसको खिलाता था अब उसका कैसा हो गया होगा, ऐसा ही उसका चिंतन करते करते उन्होंने देह त्याग कर दिया। तो जब ध्यान से सुनना, जब हम इस देह का त्याग करते हैं, देह का त्याग करने के पहले जो जीव है वो एक आकार धारण करता है, उसको कहते हैं भावना देह, और उस भावना देह को उन्होंने धारण करने के बाद फिर इस देह का त्याग होता है। ऐसे नहीं कि पहले ही देह का त्याग कर दिया और फिर ढूंढे, ऐसा नहीं होता।
पहले हम अपने अगले जन्म का जो आकार है उस आकार को हमारा मन धारण कर लेता है। तो यदि जैसे उनके जीवन में हुआ, हमारे जड़ भरत जी महाराज के जीवन में मरते समय उनका मन केवल हिरण के चिंतन में था, तो उन्होंने हिरण का आकार धारण कर लिया उनके मन ने। तो जब हिरण का आकार धारण कर लिया तो जैसे चाबी होती है उसका पक्का आकार है, और जब वो चाबी को डालना हो तो एक विशिष्ट प्रकार के ताले में ही जाएगी, सब जगह नहीं जाएगी, वो फिट नहीं होगी। उसी प्रकार से एक विशेष प्रकार का आकार जब हमारा मन धारण करता है मरते समय, तो उसी आकार को लेकर के हम इस देह से निकले और फिर उसी आकार में प्रवेश करते हैं। वो हमारे अगले जन्म का निश्चय करता है। इसीलिए कोई व्यक्ति बहुत अच्छा कार्य किया पूरा जीवन में, लेकिन बुढ़ापा आया और सठिया गए। सठिया जाना माने क्या कि व्यक्ति सब कुछ भूल करके फिर वही दुख में लगता है। हमने एक सज्जन को देखा, अभी अभी की बात है, रिसेंटली। हम उनके पूरे जीवन को जानते हैं, इतने डायनामिक और इतने अच्छे कार्य करने वाले कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जाता था तो प्रसन्न होकर के मस्त होकर के वापस आता था कि काका के पास चले जाओ, कितना भी दुखी व्यक्ति हो एकदम खुश हो जाता था, ऐसा उनका पूरा जीवन। अब उनके दो में से एक विकेट उड़ गई, पत्नी की विकेट उड़ गई। अब ये महाराज अकेले है। अब एक ही विचार उनके दिमाग में फिट हो गया, एक ही विचार, अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही, अब वो नहीं रही, दूसरा विचार ही नहीं कोई। और उसके कारण वो अपने आप को इतने असहाय स्वीकार करते हैं कि हमेशा बस डरना रोना, जितना किया था वो सब कहां चला गया। इसीलिए भैया एक बात समझ लो, कितने भी अच्छे कर्म करो, कितनी भी पढ़ाई करो, कितना भी योग धारणा का अभ्यास करो, ये सब का सब केवल प्रकृति के ही क्षेत्र में है। धर्म, योग और पढ़ाई पढ़ाई, ये सब प्रकृति के क्षेत्र में है। प्रकृति के क्षेत्र से उठ करके परमात्मा के क्षेत्र में प्रवेश करने का एकमात्र उपाय है, वो है अखंड भगवान का नाम स्मरण करना। यदि वो नहीं करेंगे तो हम कितना भी अच्छा कार्य किए हो, अपनी गति कभी भी सुंदर नहीं होगी। दूसरे एक अम्मा को हम जानते हैं, वो नहीं रही अभी, उनका भी जीवन इसी प्रकार से। उन्होंने कितना रामायण का पाठ किया, सब कुछ किया, सब उनको मालूम था, और आखिरी 5-6 साल उनकी लाइफ के उन्होंने अपने भाई को मरते हुए देखा। अब वो भी हो गई थी कोई 70-80 साल की, उनका भाई उनसे बड़ा, मरना तो है, मरने की बात सुनना बात अलग होती है, लेकिन जब अपना कोई मरता है उसको जब हम देखते हैं तब उसका जो प्रभाव अपने हृदय पर पड़ता है उसको सहने के लिए केवल भगवान के नाम स्मरण ही हमको शक्ति दे सकता है और कुछ नहीं मदद कर सकता। इसीलिए अंते नारायण स्मृति ही, अपने जीवन में अंत में हमको सबसे महत्व की बात यदि कोई है तो भगवान का अखंड नाम स्मरण चलता रहे। अब भगवान का नाम यदि हमारे अंतकरण में चलता रहेगा तो इस देह का त्याग करते समय भौतिक किसी भी विषय का आकार हमारा मन धारण नहीं करेगा, और इस प्रकार से हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए जो अपने लिप्स्टिक वेदांती होते हैं उनको ये भक्ति को लेकर के बड़ी उनको आश्चर्य, इसमें क्या पड़ा है, नहीं बाबा ये साधारण बात नहीं है, आपको उपनिषदों का अध्ययन करके प्रवचन करना बड़े आसानी से आ सकता है। हम आपको स्पष्टम स्पष्टम बता दें, उसके लिए कोई बुद्धि की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सभी की सभी बातें शास्त्रों में लिखी है। असली बात है कि हमारा मन अखंड नित्य निरंतर जगत के किसी भी वस्तु का चिंतन न करते हुए परमात्मा में लीन होने के लिए तैयार है या नहीं। हमारा मन लीन होता है प्रकृति में, ध्यान से सुनना, मन जब प्रकृति में लीन होता है और मन जब परमात्मा में लीन होता है तो उसमें फर्क है।
मन जब प्रकृति में लीन होता है तो वो अपने कारण में लीन हो गया, और मन जब प्रकृति में लीन होता है, परमात्मा में लीन होता है, तो वो अपने कार्य कारण के परे चले जाता है। वही अपना स्वभाव है जो कार्य कारण के परे है। इसलिए अपने मन को प्रकृति में नहीं लीन होने देना है, उसको लीन होने देना है परमात्मा में। इसलिए अंते नारायण स्मृति, ऐसी बात है कि हमारा जो संबंध होता है ना, वो प्रकृति और प्रकृति के कार्य से होता है। तो हमारा मन, ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर विचार है, हमारा मन जब प्रकृति और प्रकृति के कार्य के संबंध में रहता है तो जब वो उपरत हो जाएगा तो इसी में लय हो जाएगा, परमात्मा से दूर ही रहेगा। जैसे सुषुप्ति अवस्था में मन अपने कारण में लीन हो जाता है तो वहां परमात्मा की अनुभूति नहीं है, वहां तो मन अपने कारण में लीन हो गया। और इसको समझने के लिए उदाहरण ले लो, अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति। तो दाहिका शक्ति हो गई प्रकृति और अग्नि हो गया परमात्मा। तो यदि हम अग्नि के साथ संपर्क प्रस्थापित करते हैं तो किसके माध्यम से? केवल दाहिका शक्ति के माध्यम से। जैसे ये टेबल लकड़ी का बना है, इसमें भी अग्नि है, लेकिन इस अग्नि के साथ हमारा संपर्क प्रस्थापित होने के बाद भी हमको उसका ज्ञान नहीं होता। हमको ज्ञान होता है कि यही अग्नि अपने इस दाहिका शक्ति के द्वारा हमारे सामने व्यक्त होता है, अभिव्यक्त होता है, तब जाकर के हमको अग्नि का ज्ञान होता है हाथ को जलन आने के साथ। तो जहां हम प्रकृति में रहेंगे जलते रहेंगे, और जिसने इस अग्नि तत्व को पहचान लिया है उस व्यक्ति को इस दाहिका शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो हमारे साईं बाबा की पोथी में आता है ना कि जब वो खाना बनाते थे बड़े डेगची में, तो पानी उबल रहा है, चावल दाल डाल लिया है, तो वो हाथ में कड़छी लेकर के नहीं घुमाते थे, सीधे अपने अस्तनी ऊपर कर ली और हाथ ऐसा जिंदा हाथ डाल करके घूम घुरा फिरा करके फिर अपना हाथ को साफ करके बैठते, कहीं उनको जलने का नाम निशान नहीं। कारण क्या? कि उन्होंने अग्नि की जो प्रकृति है उसके परे जो अग्नि तत्व है उसको सिद्ध कर लिया था। देखो इसीलिए हम अपने मन को परमात्मा में ही हमको लीन करना है, इसके लिए परमात्मा का नाम स्मरण अत्यंत आवश्यक है। और भगवान का नाम स्मरण, हम आपके एक बात बताएं, सरल सरल भगवान के नाम लेने से आसान पड़ता है। जिस नाम के द्वारा हमारे हृदय का निर्माण हो, जिस नाम के द्वारा हमारे हृदय में ज्ञान का प्रभाव पड़े, जैसे हमने समझो एक नाम ले लिया, प्रद्युम्नाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, और दूसरा नाम ले लिया कि भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब इन दो नामों में हमको भगवान श्री कृष्ण ये नाम इतना आसान लगता है कि इस नाम को लेने के बाद भगवान के छवि को हम हृदय में देखने के लायक बन जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा नाम ले लिया, दूसरा उदाहरण ले दे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, लेकिन इसका अर्थ क्या है? उर्वारुकमियो बंधनात्, माने क्या? बस उसी में लगे रहेंगे। इसीलिए भगवान का सरल सरल नाम लो, जिस नाम को लेने के बाद एकदम भगवान का जो रूप है अपने हृदय में अवतरित हो जावे। अंते नारायण स्मृति ही। अच्छा, प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विदिशेदतः नैर्गुण्यस्था रमन्ति स्म गुणानुकथने हरेः, इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितृद्वैपायनादहम्। कहते हैं जो विधि निषेधतः निवृत्ता, जो विधि निषेध के परे है, विधि निषेध के परे कौन होते हैं? जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है और जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी है, इन सभी के लिए आश्रम और वर्ण ये नियम लागू होते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है इन सब चारों के लिए है, जो है ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी। लेकिन ये विधि निषेध के परे कौन है? वो होते हैं अवधूत।
जिनका नाथ दुख जैसे अवधूत की इसमें आ जाता है, हमारे दत्तात्रेय भगवान ले लीजिए या नाथ संप्रदाय लीजिए या उनके जितने भी अवतार है वो सभी के सभी इस अवधूत क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ऐसे जो अवधूत है जो सभी विधि निषेध के परे चले गए हैं, कहते हैं वे भी हरे हे गुणानुकथने रमन्ते स्म, वो भी भगवान के कथा कीर्तन में हमेशा रमण करते हैं। इतनी आवश्यकता है भगवान के भक्ति की अपने हृदय में। ये बात भैया अपने दिमाग से निकाल डालो, यदि होगी तो बात भी और दिमाग भी दोनों की आवश्यकता है। तो इसी बात निकाल डालो कि केवल वेदांत की चर्चा एवं घटाकाश फटाकाश मठाकाश उससे कुछ नहीं होने वाला, अपने हृदय को हमको द्रवित करना है। जब हृदय द्रवित हो जाता है तब तो ऐसे द्रवित हृदय में ही परमात्मा का अवतरण होता है। हमारा हृदय इस समय ऐसा कड़ा हो गया है तो इस कड़े हृदय में भगवान का अवतरण कभी भी नहीं होगा। तो कहते हैं कि मैंने अपने पिताजी से अधितवान, मैंने अपने पिताजी से द्वापार के युग में ये सब जो इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म समितम, ये जो भागवत महापुराण है उसको मैंने पढ़ा, मैंने इसका अध्ययन किया। और कहते हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यत अधीतवान। हालांकि मैं, कहते हैं शुकाचार्य जी महाराज, हालांकि मैं निर्गुण अवस्था में निष्ठावान हो गया हूं। देखो किनके वचन है ये, शुकाचार्य महाराज के वचन। दो तीन प्रकार के जन्म होते हैं। एक तो हम लोगों का जन्म है जो मृत्यु के समान है, दूसरा जन्म वो होता है कि जन्म से ही सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको किसी प्रकार की साधना करने की आवश्यकता नहीं। जैसे अपने साईं बाबा के अवतार आते हैं या संत ज्ञानेश्वर का है, भगवान शंकराचार्य का है, ये जन्म से ही सिद्ध थे, उनको साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि उन्होंने वो सब साधना पिछले जन्म में कर ली थी। और तीसरे प्रकार के जन्म होते हैं कि जिसमें जन्म से ही ज्ञानी होते हैं। तो जो सिद्ध पुरुष अलग है और ज्ञानी पुरुष अलग है, तो जो जन्म से ही ज्ञानी है उसमें आ जाते हैं। ये हमारे शुकाचार्य जी महाराज, वामदेव जी महाराज, इनका वर्णन उपनिषदों में आता है। तो वो स्वयं कहते हैं कि परिनिष्ठितः अपि निर्गुण्ये, हालांकि मैं निर्गुण परमात्म तत्व में निष्ठावान हूं। और ऐसा कहना माने वो अपने अहंकार को नहीं बता रहे, वो सत्य बता रहे। तो हालांकि मैं इस निर्गुण निराकार परमात्म तत्व में निष्ठा प्राप्त कर गया हूं, फिर भी उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता, फिर भी भगवान के जो गुण है लीला है उनके द्वारा मेरा हृदय हमेशा व्याप्त रहता है और हमेशा उसी का चिंतन चलता रहता है। इसीलिए आख्यानम यत अधीतवान, जो जो मैंने सुना है वही सबको मैं तुमको सुनाता हूं और अपने जीवन में उसी को लाना चाहिए। इसलिए यस्य श्रद्धताम आशु स्यान मुकुंदे मति सती, जिसके हृदय में श्रद्धा है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है, उसी की मति उसी की बुद्धि मुकुंदे स्यान, भगवान परमात्मा में स्वाभाविक लग जाती है। इसीलिए यहां भी बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से सुनना। हमारे जीवन का आधार होता है श्रद्धा। श्रद्धा की परिभाषा देते हैं भगवान शंकराचार्य कि शास्त्रस्य गुरुवाक्यस्य सत्यबुद्ध्यावधारणा सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। श्रद्धा वो है कि जिसके द्वारा शास्त्रों में क्या लिखा है, गुरु ने क्या बताया है और वो कैसा सत्य है, ऐसे विधेयात्मक दृष्टि से समझने की जो हमारी शक्ति है उसको कहते हैं श्रद्धा। नेवर स्टडी स्क्रिप्चर्स विद ए स्केप्टिक माइंड, नो इट विल बिकम सेप्टिक आफ्टरवर्ड्स। अपने मन में श्रद्धा ऐसी हो कि यया वस्तु उपलब्धते, हमको भगवान को तिरस्कार करना नहीं शास्त्रों के अध्ययन के द्वारा, हमको भगवान को प्राप्त करना है।
और इसीलिए सबसे पहले आवश्यकता क्या है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करें। और भगवान के अस्तित्व को स्वीकार करेंगे तभी तो हम भगवान की प्राप्ति की प्रयत्न करेंगे, नहीं तो कैसा करेंगे। यदि हमको भगवान के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं है, अब भगवान को छोड़ो थोड़े समय के लिए, महात्माओं को ले लो, जब हम किसी संत महात्मा को महात्मा के रूप में स्वीकार नहीं करते तो उनके पास जाने का, उनसे कुछ सीखने का मन में संकल्प आ ही नहीं सकता। देखो कितनी सरल बात है। और हम महात्मा को क्या पहचान सकते हैं, हम तो दुरात्मा है। तो हमको महात्माओं को स्वीकार करने के लिए केवल एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। तो सद्धत्ते इति श्रद्धा यया, वो जिसके द्वारा परमात्मा को हम ग्रहण कर सकते हैं उसको कहते हैं श्रद्धा। इसलिए व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है और ये श्रद्धा हमारी भगवान के प्रति होनी ही है। इसका कारण यह है, अज्ञान के क्षेत्र में जो शक्ति है स्वीकृत करने की, उस शक्ति को कहते हैं श्रद्धा। हमको महात्मा के बारे में मालूम नहीं होता लेकिन हम उनको स्वीकार करते हैं, हमको उनके आचरण के बारे में समझ में नहीं आता फिर भी वो जैसा भी आचरण करते हैं उनको वैसा ही स्वीकार कर लेते हैं। जैसे साईं बाबा के चरित्र में एक जगह हमने पढ़ा, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में दातुन नहीं किया था। अब लोग कोलगेट वाले तो कहेंगे फिर हम नहीं जाएंगे उनके यहां। उसी प्रकार से एक पूना में बहुत बड़ी संत हो गई, उसका नाम था, स्त्री थी, 130 साल जिंदा रही और उसका नाम था बाबा जान, मुसलमान थी और वो थी ईरान के राजा की लड़की। और ये बात है पिछले सदी की, 18th century। तो उस समय वो वहां से निकली भाग करके और वहां आई और पूरे जीवन में उसने कभी नहाई नहीं थी। वो झंझट थी पानी का शॉर्टेज का, तो मैं भी सोच रहा हूं कम से कम साधन सिद्ध होने के लिए एक तो शुरू ही कर दे। तो यदि हम देखेंगे उनका ऐसा व्यवहार तो हम कहेंगे ये क्या गंदे लोग हैं, लेकिन जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, साधु संतों के प्रति श्रद्धा है, वही उनको स्वीकार कर सकते हैं। क्योंकि हमको कुछ समझ में नहीं आता, सी जो हम इस जगत में देखते हैं ना वो वही देखते हैं कि जो हमने निश्चय किया है। हम पहले निश्चय कर लेते हैं कि हम अगले में चोर देखेंगे, पहले हम निश्चय कर लेते हैं कि हम अगले में एक बुरा व्यक्ति देखेंगे, उसके बाद उसमें बुराई ही नजर आएगी। इसीलिए हमको अज्ञात के क्षेत्र में स्वीकृति की जो शक्ति है उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। तो यस्य श्रद्धताम आशु स्यान मुकुंदे मति ही सती, तो जिसके हृदय में श्रद्धा है वो उसकी मति उसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण में बहुत आराम से और जल्दी लग जाती है। और देखो हमारे एक बहुत बड़े संत हो गए यहाँ के अपने बंबई के, निसर्गदत्त महाराज, उनके जीवन की बात आपको बताएं। वो एक जगह कहते हैं कि जब गुरु ने बताया कि तुम परब्रह्म परमात्मा स्वरूप हो तो उसमें विचार करने की क्या जरूरत है, से हाउ ट्रू इट इज। बोले वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, उनको हमको ब्रह्म बताने से कुछ लाभ थोड़ी मिलने वाला है, क्या हमको वो लूटने वाले थोड़ी है। जब उन्होंने बता दिया है तो उसमें स्वीकृति के सिवा दूसरा कोई विकल्प हो ही नहीं सकता। इसको कहते हैं श्रद्धा। तो ऐसी श्रद्धा के द्वारा ही तो परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपने अंतकरण में भगवान से यही प्रार्थना करें कि भगवान हमें ऐसी श्रद्धा दो कि हम आपके अस्तित्व को हर रूप में, हर नाम में, हर परिस्थिति में देख सके और उसको स्वीकार कर सके। तो जिसके हृदय में ऐसी श्रद्धा है वो सहजता से भगवान में अपने मन को लगा सकता है। ग्यारहवां श्लोक है, एतन् निर्विद्यमानानां इच्छतां अकुतो भयं योगिनां नृपनिर्णीतं हरेर्नामानुकीर्तनम्।
इसलिए जिनके हृदय में भगवान की प्राप्ति की इच्छा है, जो चाहे इस जगत के या पर जगत के कोई भोग भी चाहते हो, चाहे कोई व्यक्ति विरक्त है और चाहते हैं केवल मोक्ष की आशा, या कोई सिद्धि प्राप्त करने को चाहते हैं, या कोई अपने जीवन में नाम कमाना चाहता है, उन सब के लिए एक ही उपाय है, हरे हे नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम स्मरण अखंड चलता रहे, अखंड चलता रहे। देखो इसको, ये जो बातें यहां बताई जा रही है ना, ये सुनकर के इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने कितना सुनकर के रख दिया है, सुनने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है जब इसके ऊपर थोड़ा अभ्यास शुरू कर दे, और जैसा अभ्यास करना है हम आपको बताए, आप अपने घर में जो भगवान का कुछ मंदिर विंदिर होगा तो दरवाजे बंद कर लो और भगवान के सामने उच्च स्वर में कुछ भजन कीर्तन शुरू कर दो। आपकी आवाज भले फटे बांस की जैसी हो कोई बात नहीं, किसी को सुनाना थोड़ी है। भगवान के सामने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, अपना धीरे 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 चलते रहो, राग में गाओ, द्वेष में गाओ, सुर होके गाओ, असुर होकर के गाओ, ताल में गाओ, वेताल बनकर के गाओ, कोई फर्क नहीं। और धीरे धीरे ये करते रहो तो देखो अपने हृदय में छिपा हुआ जो आनंद है वो बाहर आने लगेगा। जहां भी भगवान का नाम लेने का प्रसंग आता है तो व्यक्ति इमीडिएटली कॉन्टेम्पलेटिव बनकर के केवल मन में ही नाम करता, मानस पूजा के जैसे हम भगवान का केवल मानसिक जप करना चाहते, केवल मानसिक जप करेंगे तो मानसिक अस्पताल में पहुंच जाएंगे। वैखरी वाणी से जप करने के लिए कोई पाप लगता है क्या? कोई उसमें शर्म थोड़ी है। इसीलिए हरे नामानुकीर्तनम, भगवान का नाम नित्य निरंतर गुनगुनाते रहे, गुनगुनाते रहे, धीरे धीरे करते 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 देखेंगे हमारा ये जगत के प्रति जो आकर्षण है वो समाप्त तो हो जाएगा। भगवान के भक्ति का सौंदर्य यही है, जगत के प्रति आकर्षण अपने आप कम हो जाता है और भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है, इसी को कहते हैं भगवान की भक्ति। तो चाहे हमको जगत की वस्तुओं की इच्छा है, चाहे स्वर्ग को जाना है, सबके लिए एक ही उपाय है, भगवान का नाम स्मरण करो। यदि सकामता से भगवान का नाम स्मरण करेंगे तो हमारी सभी कामनाएं भगवान पूर्ण कर देंगे। और दूसरी महत्व की बात मालूम है क्या है? जब हम भगवान का नाम करने में आनंद आने लग जाता है ना, तब अपने आप जगत की कामनाएं समाप्त हो जाती है। तो भले हम स्टार्ट कर दे सकाम भावना से भगवान का नाम स्मरण करना, लेकिन धीरे धीरे उस नाम के प्रभाव से ही हमारे अंतकरण से जगत की कामनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और जितनी जगत की कामनाएं समाप्त हो जाएगी उतना हृदय का जो आनंद है और मीठा लगने लगेगा। इसीलिए सभी साधना का अंतिम चरम लक्ष्य यदि क्या है कि अपना मन स्वाभाविक प्रयत्न रहित होकर के परमात्मा में संलग्न रहे। और यदि हमने सब कुछ किया और ये नहीं हो रहा है तो हमने केवल अपने समय को नष्ट कर दिया है। इसीलिए किम प्रमत्यस्य बहुभिः परोक्षैः हायनैः रिह वरम मुहूर्तम विदितम घटेत श्रेयसे यतः, कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रमत्त होकर के रहते हैं, जिन्होंने जीवन में कभी सावधानी नहीं बिताई और बहुत लंबे सार तक जिंदा रहे, 70, 80, 90, 100, 120, 130 साल तक जिंदा रहे, लेकिन इस इतना लंबा जिंदा रहने के बाद भी जिन्होंने अपने जीवन के तत्व को पहचानने में, परमात्मा के दर्शन में जीवन को नहीं लगाया, तो इतना लंबा जीना रहना माने एक ओक के या देवदार के वृक्ष के जैसे खड़े के खड़े ही रहे, उसे निकला क्या? और उससे कहते वरम मुहूर्तम विदितम, उससे श्रेष्ठ तो यह है कि कोई व्यक्ति थोड़े ही समय के लिए जिंदा रहे लेकिन उसने अपने जीवन को परमात्मा में संपूर्ण समर्पित कर दिया हो। इसीलिए अपने जीवन का साफल्य,
इसमें है कि हम इसी जीवन में परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं, उसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं। अन्यथा जगत के जो लाभ हानि है वो हमको अपने प्रारब्ध के अनुसार मिल के ही रहेंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता। हमारे जीवन में जो लाभ होना है nobody can stop that, जो हमारे जीवन में हानि होने वाली है उसको भी कोई रोक नहीं सकता, ये तो होता ही रहेगा, आप करो या ना करो। तो हमारे जीवन का मूल जो उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, उसी में अपने आप को लगाना चाहिए। तो फिर उसमें वो एक उदाहरण देते हैं कि एक खटवांग नाम का राजर्षि था, उसने सब कुछ त्याग करके आखिर अपने जीवन में परमात्मा में ऐसा लग गया कि जिसके द्वारा उसको भगवान की प्राप्ति हो गई। और कहते हैं तव अपि तरहि कौरव्य सप्ताहम जीवितावधि उपकल्पय तत्सर्वम तावज्यच्छाम परायिकम। हे परीक्षित जी महाराज, अब तुमको भी शाप मिला है कि केवल 7 दिन बचे हैं तुम्हारे जीवन के, अभी 7 दिन में जो कुछ करना है कर लो। ये तो उनके लिए कहा था, अपन को थोड़ी कहा था। महात्मा जी, हम सभी के सभी लोग 7वें ही दिन मरने वाले हैं, कोई भी व्यक्ति 8वें दिन नहीं मरता, क्योंकि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं और इसीलिए हम सभी के सभी लोग इसी हफ्ते मरने वाले हैं। देखो अब ये कल्पना कर लो, 2 दिन प्रकार से कल्पना है। एक प्रकार समझो हम किसी हिल स्टेशन पर या कहीं वैकेशन के लिए गए, तो वैकेशन के लिए जब जाते हैं तो पहले दिन कितना पैसा बचा है, कितना खर्चा करना है, उसके हिसाब चलता है। ज्यादा मत करो, जा बड़े होटल में मत जाओ, पैसा कम पड़ेगा, और ऐसा करते 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 बहुत पैसा बचा लिया। और आखिरी दिन, अब आखिरी जाना है, कल तो जाना है, टिकट विकट सब कुछ है, टैक्सी के लिए इतना पैसा लगे, सब कुछ हो गया, और अभी इतने 10,000 रुपये बचे हैं, तो क्या अब उसको उड़ाओ ना, उसको बचा के थोड़ी ले जाना है वापस। तो उसी प्रकार से अपने जीवन का अब आखिरी क्षण आ गया है, अब इस क्षण में अपने जीवन को पूरा बनाओ। और सबसे बढ़िया जीवन का बनता है जब हमने अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दिया है। When we understand the urgency of a purpose, then only we can involve fully, not otherwise. इसीलिए कि हे राजन, अब तुम्हारे में जीवन में सप्ताह हम जीवितावधि ही, अब आखिरी 7 जीन है, इसीलिए अपने कल्याण के लिए जो भी कुछ करना है यही समय है, इसको पोस्टपोन मत करो बाबा, पोस्टपोन करने से गड़बड़ी हो जाएगी। अब क्या क्या करना चाहिए, पहली बात बताते हैं जो असंभव है हम लोगों के लिए। अंतकाले तो पुरुषः आगते गतसाध्वसः छिन्द्यात् असंग शस्त्रेण स्पृहां देही अनुयेचतम। पहले जब मृत्यु आने वाला है तो पहले घबराओ मत। देखो मृत्यु के नाम से ही घबरते हैं, और मृत्यु आ रहा तो घबराओ मत। ये कब संभव है और कौन कह सकता है? ये तभी संभव है कि जब हमने अपने जीवन में किसी श्रेष्ठ आधार को पकड़ के रखा है। देखो अपने जीवन का जितना सत्संग है, उस सत्संग का प्रयोजन क्या है? सत्संग का एक ही प्रयोजन है, हमारी बुद्धि की समता किसी भी कारण से किसी भी समय नष्ट ना होए, ये सत्संग का प्रयोजन है। अभी हम गए थे वहां सातारा में, वहां आज का सत्संग करके 4-6 दिन हमने बात करी, और उसमें ये विषय निकल आया कि जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनने के बाद वापस आते हैं, कहते हैं कि सत्संग में बड़ा आनंद आया, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, माने क्या हुआ? माने पहले हम इस जगत के ममता में, विषमता में इतने फंसे हुए थे कि जिसके कारण हमारे मन में अशांति के सिवा कुछ नहीं था। और सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर के होता क्या है कि जिस कारण को लेकर के ममता और ममता का कार्य विषमता ये हमारे हृदय में निर्माण होकर के जो दुख का कारण बनती है, उस ममता के पाश को सत्संग तोड़ देता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा,
और जब ये ममता के पांच सत्संग के माध्यम से टूट जाते हैं तो जैसी समत्व की सिद्धि हो गई, हम योग में स्थित हो गए। समत्वम योग उच्चते, और यही जो समता की स्थिति है इसी को कहते हैं परम ब्रह्म परमात्मा। पांचवें अध्याय में भगवान कहते हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। परम ब्रह्म परमात्मा निर्दोष है। निर्दोष है माने क्या? जिसमें समत्व है, जिसमें ममता का कलंक नहीं है। तो जिस व्यक्ति के जीवन में समत्व की सिद्धि हो गई वो व्यक्ति कभी भी डरता नहीं। आपने कबीर जी का जीवन पढ़ा होगा या सुना होगा, देखा होगा, उसमें कबीर जी बताते हैं अपने पुत्र को कमाल को, जब उनके मृत्यु का समय आता है तो वो रोता है तो कहते हैं रो मत, तुमको देखना है कि मैं कैसे जिंदा हूं। तो जहां जहां निर्भयता तुमको नजर आएगी वहां देख लेना कबीर जिंदा है, कबीर मरता नहीं कभी। तो अपने हृदय में ये निष्ठा जब प्राप्त हो जाती है कि चाहे हम अपने आप को देह के रूप में स्वीकार करें, चाहे जीव के रूप में स्वीकार करें, चाहे परब्रह्म परमात्मा के रूप में स्वीकार करें, किसी भी हालत में मृत्यु का डर हमको होना नहीं चाहिए यदि हमने सत्संग किया हो तो। इसलिए सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव जीवन में है, निर्भयता आ जाती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में डर डर के रहते हैं, डर डर के रहते हैं, वो जिंदा ही मरे हुए हैं। हर छोटी चीज को लेकर के क्या डरना है। हमको याद आती है एक बार जब हम जा रहे थे बद्री केदार के स्थान में, बस में जा रहे थे और एक इनारा सैंपल हमारे साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने हमको कहा कि स्वामी जी हम वो खिड़की की साइड से बैठेंगे और हिमालय का सौंदर्य देख करके अपने हृदय को पवित्र कर लेंगे, स्टैंडर्ड डायलॉग। तो हमने कहा कर लो पवित्र, और हम अंदर में आयल सीट में बैठे थे। और फिर देखो स्वामी जी कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है, मैंने बहुत देख लिया, आप भी देखते रहो। और फिर वहां से जब जा रहे थे तो नीचे बहुत बड़ी खाई, अलकनंदा जी वहां आवाज करके दौड़ रही है। और फिर स्वामी जी मुझे कुछ ना कुछ हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, मैं इधर से बैठू, मैंने इधर से बैठो, वो बीच में आके बैठी, फिर हम वहां बैठे। फिर स्वामी जी समझो हमारी बस इस गड्ढे में गिर गई तो क्या होगा, हम चुप बैठे। तो स्वामी जी हम आपको पूछ रहे यदि हमारी बस गड्ढे में गिरी तो क्या होगा, फिर भी हम चुप रहे। स्वामी जी बताओ ना, हमने कहा कि मौने न प्रोवाच, हम बिना बोल के सब बोल दिया आपको, उस समय प्रश्न पूछने के लिए तुम नहीं रहोगी, उत्तर देने के लिए मैं नहीं रहूंगा, तो क्या बोलना है। तो व्यक्ति के जीवन में निर्भयता तब आती है कि जब किसी स्ट्रांग तत्व को पकड़ के रखो। जैसे एक व्यक्ति है कहीं बड़े शहर में जाता है और उसके पास बेचारे के पास 50-100 रुपए है, तो हमेशा डर डर के घूमेगा, इस बड़े होटल में जाना तो चाहता हूं लेकिन पता नहीं उतना पैसे से वो मुझे चाय भी देंगे कि नहीं, डरेगा। और जिसके पास क्रेडिट कार्ड है वो कहीं भी डट के चले जाता है और फटाफट से काम करा लेता है, क्यों कि उसमें ऐसी शक्ति है कि जिसके द्वारा वो डरता नहीं। तो अपने जीवन में निडर होने के लिए एक ही शक्ति है, वो है भगवान का सहारा। इसीलिए अपने जीवन के अब 7 दिन बचे हैं, ये सप्ताह होने के बाद सबको तैयारी करनी है। तो पहली बात है मरने के पहले अंतकाले तुभृशा आगते गत साध्वसः छिंद्यात असंग शस्त्रेण, पहले ना डरे, दूसरी बात असंग शस्त्रेण देहेनु ये तम स्पृहां त्यजेत। देह और देह के संबंध जितने हैं उनमें जो हमारी स्पृहा है, आसक्ति है, उसका त्याग कर दे। उसका त्याग करने का तात्पर्य क्या है, उसके लिए बड़े बड़े साधन संत लोग बताते हैं। हम वही करेंगे जो हम चाहते हैं, संतों को कहने दो, अपने को क्या फर्क पड़ता है। पहली बात तो यह है बुढ़ापा आने के बाद व्यक्ति ने अपनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। जितना हम अपनों से दूर रहना सीखेंगे उतनी जगत में ये माया मोह ममता ये हमको परेशान नहीं करेगी। एक हम सज्जन को जानते हैं, महाजन उनका नाम है,
और वो रहते हैं वृंदावन में, बड़े अच्छे घर के, बड़े अमीर। और उन्होंने एक दिन अपने बच्चों को बताया, इतना कैजुअली बताया, हम थे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि बेटा हमने वृंदावन में एक कमरा ले लिया है और अब हम कल सुबह वहां चले जाएंगे। तो उनको लगा, उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, 4-6 दिन होके चले आएंगे। और उन्होंने सामान भी कोई ज्यादा नहीं लिया, थोड़ा सा 1-2 बक्से लेकर के चले पड़े और वहां गए और वापस आने का नाम ही नहीं। इतने बड़े महल के जैसे मकान में रहने वाले, नौकर है, गाड़ियां है, सब कुछ है, वहां जाकर एक छोटा सा 10x10 का कमरा ले लिया पत्नी और वो दोनों, और वहीं जाते हैं और बड़ा सादा सरल जीवन जीते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और इतने प्रसन्न हैं। और उनको जब कोई मिलना चाहता है तो कहते हैं कि बाबू जी आ जाओ, इसका बर्थडे है, उसका ये है, तो तुमको आना है तो तुम यहां आ जाओ, और आकर के रहने के हिसाब से मत आना, आओ दर्शन करो मेरा और कन्हैया लाल का, चले जाओ, बैठो मत यहां, मैं उनको खाना खिलाऊंगा, एक उससे ज्यादा कुछ नहीं। ऐसा ही व्यक्ति भगवान में अपने मन को लगा सकता है, अन्यथा जिंदगी भर वही की वही बात चलती है। एक महात्मा जी, सज्जन महात्मा मर रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे भाई सब लोग आ गए, मैं मर रहा हूं। तो सभी चार बच्चे थे, चारों बच्चों ने कहा हाँ बाबा मैं राजू आ गया हूँ, हाँ बाबा मैं काजू आ गया हूँ, हाँ बाबा मैं भाजू आ गया हूँ, हाँ बाबा मैं लाजू आ गया हूँ। तो काजू लाजू भाजू सभी के सभी आ गए। तो उसके पिताजी ने कहा मरते समय, तुम सभी यहाँ आए तो दुकान पर कौन है? अब देखो ऐसा जो व्यक्ति दुकानदारी में फंसा हुआ है वो अगले दिन हमें ताला बनेगा, दुकान में लटके रहो। इसलिए छिंद्यात असंग शस्त्रेण स्पृहाम देहे नु ये चतम, देह और देह के जितने भी रिश्तेदार है उससे ज्यादा मतलब मत रखना बाबा। हम आपको एक बात बताए, जिनको उनके बच्चे बुढ़ापे में परेशान करते हैं या दूर रखते हैं, समझ लेना भगवान की असीम कृपा उन पर हो रही है। और जिनके बच्चे उनकी बड़ी सेवा करते हैं, मम्मी मम्मी डैडी डैडी आप बैठो, हम आपके हाथ दबाएंगे, पैर दबाएंगे, टाइम आए तो गला दबाएंगे, दूर रहो सबसे बाबा, दूर रहो, यही हमारे विट्ठल भगवान का उपदेश है। वैसे खड़े रहते ना, कटेवरी हाथ विटेवरी पाए, तो ऐसा खड़े तात्पर्य यही है कि कीप एल्बो डिस्टेंस, वो तो भगवान के लिए, अपने लिए कीप द टोटल हैंड डिस्टेंस, अलग रखो दूर सबसे, ज्यादा किसी को नजदीक मत आने दो, असंग शस्त्रेण। अच्छा उसका तात्पर्य, असंग शस्त्रेण का तात्पर्य क्या है ये भी ठीक से समझ ले। असंग शस्त्रेण का तात्पर्य ये है, इस जगत में कभी भी कोई भी अपना नहीं था, कभी भी कोई अपना नहीं रहेगा। यदि कोई हमारा हमेशा नित्य रह सकता है तो वही कि जो स्वयं नित्य हो, जो स्वयं अनित्य हो, वो हमको नित्य साथ कैसा दे सकता है? इसीलिए जगत में प्रभु को पकड़ के रखो, और इस दुनिया के जितने रिश्ते नाते हैं वो नाटक करो, नाटक रोज लिख के दे दो, आई रियली लव यू हनी, आई रियली लव यू शुगर शुगर क्यूज, आई रियली लव यू जैकपॉट, जो भी कहना कहते जाओ, लेकिन असल में ये समझ लो हृदय में कि अपना प्यार यदि कहीं है तो केवल परमात्मा में। और देखो आप जब आप नाटक करने लगो तो उसमें असलियत आ जाती है, अगले को भी लगता है देखो मेरे साथ कितना प्यार हो रहा है। अब कोई खुश होता है बेवकूफी तो होने तो अपने को क्या नुकसान है। इसीलिए गृहात प्रव्रजितो धीरहा पुण्य तीर्थ जलाप्लुतहा शुचो विविक्त आसीनो विधिवित कल्पित आसने। अब अगले स्टेप बताते हैं कि धीरहा ये करने के लिए धैर्य चाहिए। जैसे अपने इसमें मंत्र आता है ना मुंडकोपनिषद में, नायम आत्मा बलहीने न लभ्यः, इसी को यदि हिंदी में कहना हो तो कह दो नायम आत्मा डरपोके न लभ्यः, जो डरपोक है वो इस आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकते। हम आपको एक बात बताएं, सबसे महत्व की बात,
हर एक बात के साथ यही कहते आप, तो बात कौन सी है? बात यह है, जब तक सिक्योरिटी बनी रहेगी तब तक भगवान के प्रति समर्पण पूरा नहीं होता। किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी ना हो तब समर्पण पूरा होता है। एक कहां की ऋषिकेश की बात है, वहां एक महात्मा जी थे, सन्यासी थे, पहले गृहस्थ थे फिर सन्यास ले लिया, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी रहते थे और उनकी पेंशन उनको मिलती थी नित्य रूप से, और इतने उनके नियम और इतना भगवान का नाम लेना, गंगा जी में स्नान करना और सब कुछ था, फिर भी उनमें कड़वाहट थी, फिर भी उनमें प्रेम जागृत नहीं होता था, कोई भी व्यक्ति उनके साथ बैठने को हाँ नहीं कहता था। तो ऐसा जब एक साधक ने देखा तो उसने अपने गुरु से पूछा कि गुरु महाराज, अमुक अमुक जो स्वामी जी है वो इतने अच्छे पढ़े लिखे हैं, अपनी साधना करते हैं, गंगा जी में नहाते हैं, किसी से कुछ बात नहीं करते, अपने इसमें रहते, फिर भी ऐसा क्या है कि जिनमें सूखापन है, कि जिनमें किसी भी प्रकार का आकर्षण नहीं है, कोई भी व्यक्ति उनके पास जाना नहीं चाहता, वो ओडोमॉस के जैसे सबको रिपेल करते हैं, ये कारण क्या है इसका बताइए हमको। तो उस महात्मा ने बताया इसका कारण ये है कि वो जो स्वामी सन्यासी बने हैं ना, वो अभी अपने पेंशन पर जी रहे हैं, इसलिए उनके मन में यही है कि बाकी के जो सन्यासी बाबा जी है ना, वो तो भीख मांग के खाते, हम तो अपनी पेंशन से खाते हैं। देखो, जीवन में 1% सिक्योरिटी यदि रहे तो हमारा समर्पण भगवान के प्रति पूरा नहीं हो सकता। वी हैव टू गिव अप 100% सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी। इसीलिए जो सन्यासी है उनको LIC की पॉलिसी नहीं निकालना चाहिए, योगक्षेमं वहाम्यहम्। कन्हैयालाल ने स्वयं बताया है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परियुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसको तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, और ये जो LIC है उसको हम स्वीकार करेंगे। सो धीरहा, धैर्य के साथ चल पड़ो, जो होना है होगा, या तो यहां रहेंगे वहां तो खत्म हो जाएंगे। जैसे हमारे बुद्ध भगवान के जीवन में आता है, शरीरम वा पातयामी ध्येयम वा साधयामी, या तो हम रहेंगे या तो ध्येय रहेगा। इस प्रकार से संपूर्ण समर्पण तब होगा जब कोई भी सिक्योरिटी अपने आगे पीछे नहीं है, एकदम निकल पड़ो। धीरहा गृहात् प्रव्रजितः, घर से निकल पड़ो। घर से निकलने के पहले हमारी पहली बात होती है, वहां अटैच बाथरूम लैट्रिन है क्या? वहां द होल वर्ल्ड इज लैट्रिन, यू गो एनीवेयर यू वांट। जब हम गए थे अपने पंढरपुर की वारी में, तो वहां तो सब द होल वावर इज योर बाथरूम, इज फॉर द फील्ड वावर दे से द लोकल लैंग्वेज। तो हमारे साथ काफी 2-4-10 लोग थे, तो सुबह तो निकल पड़े, और फिर एक हमको आके पूछे, स्वामी जी यहाँ टॉयलेट का क्या बंदोबस्त होता है? तो हमने कहा, आपका जो खाना खाने का लोटा है ना आपने दिया, उसी लोटे में पानी भरो, और ऐसी जगह चले जाओ कि जहां लोग आपको देखे तो उधर मुंह कर ले, और जाकर के यू फिनिश योर जॉब, वॉश एंड कम बैक। स्वामी जी, सेम लोटा। I said, how does it matter whether this end or that end? It is only end. कुछ नहीं उसमें। But is it not possible to have, some, we can organize some hotels, we can pay for that and all that thing? ऐसा जो चलेंगे ना उनकी वारी हो गई। इसीलिए जगत में किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी नहीं, प्रव्रजितो ग्रहात्। और पुण्य तीर्थ जलाप्लुतः, और फिर कहां चले जाए, किसी तीर्थ क्षेत्र में चले जाए और वहां जाकर के स्नान इत्यादि अपने आप को पवित्र कर ले, और फिर शुचो विविक्त आसी रहा, और अपने हृदय में पवित्र निर्माण करके। पवित्र कब निर्माण होता है? जब हमको भगवान के दर्शन की लगन लग जाती है,
तब हृदय में पावित्र आ जाता है। एक बात हम आपको सबको बता दें, अपने मन में सबसे बड़ा दोष कौन सा है कि अपने बारे में तुच्छता की भावना। जब व्यक्ति के मन में ग्लानी निर्माण हो जाती है, जब व्यक्ति अपने आप को पापी समझने लग जाता है, तो समझ लेना उस समय हम अपने प्रकृति के साथ, उपाधि के साथ इतने जबरदस्त जुड़ गए हैं कि उससे निकलने का कोई सवाल ही नहीं। इसीलिए एक बात समझ में रख लो, कभी भी अपने आप के तरफ आदर रहित युक्ति से नहीं देखना चाहिए। स्वयं के प्रति आदर होना आवश्यक है, तब जाकर के हम अपनी साधना कर सकते हैं, नहीं तो पापो हम पाप कर्मा हम। जब हम जाकर के कहेंगे पुलिस के सामने, भाई मैंने जाकर उसको मार दिया है, तो कहेंगे चलो फिर पीछे, अच्छा हो गया तुम स्वयं आ गए, मुझे कोई झंझट नहीं काम करने की। हम ही भगवान को कहेंगे कि हम पापी है, तो नेचुरली उसका जो फल है वो हमको मिल ही जाएगा। तो अपने आप का सम्मान करना, आत्म सम्मान अत्यंत आवश्यक है। तो शुचौ, और इस आत्म सम्मान को कैसे जागृत कर सकते हैं कि ये हमेशा ध्यान रखें कि हम परमात्मा स्वरूप है, भले हमको अनुभूति नहीं आ रही हो। ये जो अहम ब्रह्मास्मि मंत्र का जप करने की बात एक स्थान पर लिखी है, एक ग्रंथ है, पता नहीं भगवान कब चाहे उसके ऊपर हम लोग विचार करेंगे सामायिक। उस ग्रंथ का नाम है ऋभु गीता, और ये ग्रंथ आता है शैव ग्रंथों में, और उसको कहते हैं शिव रहस्य पुराण। और इस शिव रहस्य आगम शास्त्र जो है उसमें ये ऋभु गीता आती है, और उसमें ये विचार बताया है कि व्यक्ति के अंतकरण में अपने पवित्रता को जागृत करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का जप करना चाहिए, पूरा का पूरा बहुत लंबा वो उसका प्रसंग आता है। तो अहम ब्रह्मास्मि का जप करना जाने ऐसा क्यों करना है, अहम ब्रह्मास्मि ये उसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अपने आप को परिच्छिन्न रूप में जैसा हमने आज स्वीकार किया है, उतने ही तादाद में से, उतने ही सिंसियरिटी से अपने आप को परब्रह्म के रूप में झूठ मूठ स्वीकारना शुरू कर दो। तो हम परमात्मा स्वरूप है, हम परमात्मा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्म स्वरूप है, हम आनंद स्वरूप है। देखो कितना सूक्ष्मता से और इंटेंसली इसको करो आप। इसी चीज को लेकर के भगवान रमण महर्षि का जो साधना करने का क्रम है वो बहुत सुंदर है। जब हम ध्यान करते हैं या भगवान का जप करते हैं, जैसे श्री कृष्णा शरणम मम और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या दूसरा किसी श्री राम जय राम जय जय राम, इस जप में एक दोष बचा रहता है। कौन सा दोष है? इस जप में द्वैत की भावना बनी रहती है। तो जहां हमने भगवान का नाम लेकर के अपने अंतकरण को काफी शुद्ध कर लिया है, उसके बाद अगली स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप, कि फिर मैं कौन हूं। यदि हमारी भगवान की भक्ति करने के बाद अपने स्वरूप के बारे में जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, तो हमारा जो जप करना था वो टेप रिकॉर्डर के जैसा था। टेप रिकॉर्डर में लगा दो श्री कृष्ण शरणम मम और डोलते रहो, टेप रिकॉर्डर भी डोलता है, होता कुछ नहीं। लेकिन तो जितना हमने भगवान का नाम लिया और नाम लेने के बाद जो अंतकरण में शौच पावित्र आ गया, उस पावित्र का तात्पर्य यह है कि हम स्वाभाविक अंतर्मुखी बने। और जब स्वाभाविक अंतर्मुखी बनेंगे, अब इसका जब हम करते हैं आपके सामने, देखो इन दो जपों का प्रभाव क्या आता है, अपने ही अंतकरण में देखना। दिस कैनॉट बी एक्सप्लेन, यू हैव टू एक्सपीरियंस यूर सेल्फ। जैसे हम एक जप करते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब इस अनुभव को अपने हृदय में रखो। अब दूसरा अनुभव, मैं कौन हूं। अब ये दो जो जप हुए,
इन दो जपों में क्या भेद है? जब हमने हरे राम 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 हरे हरे का जप किया तो उस समय हम केवल अपने वृत्तियों के स्तर पर थे, विचारों के स्तर पर थे, और राम कृष्ण भगवान को हमने एक विषय बनाया था और उनसे बात हो रही थी कि हे भगवान हमारे दुख के कष्ट हरो और हमको आपके प्रति समर्पित कराओ। लेकिन जब दूसरा जब शुरू किया कि मैं कौन हूं, तो हम अपने आप अंतर्मुखी बन गए। तो जो विचार अपने मैं अपने आत्मस्वरूप के प्रति हमको ले जाते हैं उसको कहते हैं ध्यानाभ्यास, उसको कहते हैं निधिध्यासन। इसलिए शुचौ पावित्र ये है कि अब हमारे विचार जगत के बारे में ना रहे, केवल भगवान के बारे में रहे। और जितने हमारे विचार भगवान के बारे में रहेंगे उतना हमारा मन पवित्र है। जैसे कपड़ों को साफ करने के लिए डिटर्जेंट की आवश्यकता होती है, निर्मा डिटर्जेंट लगाओ कपड़ों को साफ कराओ, उसी प्रकार से श्रद्धा डिटर्जेंट लगाओ और अपने मन को साफ कराओ। श्रद्धा से भगवान का नाम लेना है। शुचौ विविक्त आसीनहा, और आगे के बताते हैं कि सबसे अलग होकर के शांत रूप से बैठना शुरू कर दे। ये आखिरी 7 दिन में क्या करना है इसकी चर्चा चल रही है। तो आज का कौन सा दिन है? मंगल। मंगल है ना आज का? ठीक है, अगले मंगल को देखेंगे क्या होता है। तो शुचौ विविक्ता आसीनहा विधिवत कल्पित आसने, और फिर उन्होंने बताया कि अपने आसन को योग्य प्रकार से रखना है। योग्य प्रकार से रखना है माने वो आसन के प्रति हमारे मन में श्रद्धा हो, पावित्र हो, उस आसन पर किसी भी प्रकार के भोग इत्यादि करने नहीं है, उस आसन पर बैठ करके संसार की चिंता चिंतन नहीं करना है, उस आसन पर बैठ करके केवल भगवान का नाम स्मरण, अपनी पूजा पोथी, इसकी सिवा कुछ करना नहीं है। इसको कहते विधिवत आसन कल्पयन। तो उस प्रकार से आसन पर जाके बैठे, मन को पवित्र किया और अच्छे से नहा धोकर के वहां बैठ गए। उसके बाद अभ्यसेत मनसा शुद्धम त्रिवृत ब्रह्माक्षरम परम मनोजच्छेद जिद श्वासहम ब्रह्म बीज अविस्मरण। इसके बाद की जो प्रक्रिया है ध्यान की, ये प्रक्रिया हम कल देखेंगे, अभी यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। दो शक्तियां होती है, एक शक्ति है अपने परिच्छिन्नता का भान और दूसरी शक्ति है अपने परिपूर्णता का अनुभव। वो संकल्प जिनमें अपने परिच्छिन्नता का भान का प्राधान्य होता है, उन संकल्पों से संसार निर्माण होता है, और वो संकल्प जिनमें परमात्मा के परिपूर्णता का अनुभव होता है, वो संकल्प हमको संसार से मुक्त करते हैं। इसीलिए ये देखना है कि हमारे संकल्प में प्राधान्य किसका है, अपनी परिच्छिन्नता का या अपने परिपूर्णता का। जितना प्राधान्य परिच्छिन्नता का रहेगा उतना हम प्रयत्नशील रहेंगे, और जितना प्राधान्य अपने परिपूर्णता का रहेगा
उतना जीवन में प्रयत्न शैथिल्य होगा, प्रयत्न की प्रखरता नहीं रहेगी, जीवन स्वाभाविक बनेगा, उसमें सहजता आएगी। दिस लाइफ ऑफ स्पॉन्टेनिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिविनिटी इन अस। ये करने के लिए, समझने के लिए ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया यहां बताई जा रही है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, ओम शांति शांति शांति।